शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो हमारी जान माल इज्जतों का मुहाफिज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैन जावेद एंड लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। जनाब पूरी रात सफर करने के बाद सुबह हो चुकी है और हम पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह जद्दा एयरपोर्ट में। ये देखिए जनाब बाहर दिन चढ़ चुका है। आवाज यार मुझे अभी तक ये सब ख्वाब लग रहा है, ये यकीन नहीं हो रहा कि मुझे अल्लाह ताला ने बुला लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे एक्सप्रेस करें ये फीलिंग है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अब हम निकल चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट से और अब जा रहे हैं हम इंशाल्लाह मक्का अपने होटल में। और अमीर साहब क्या क्या प्लान है, कैसे हम अब जाके क्या करना है? हमने जाके नमाज पढ़नी है इंशाल्लाह और इस्माइल के इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको भूख नहीं सता रही तो? भूख तो सता रही है। खाना चना खा लें यार, नाश्ता करके वी स्लीप एंड देन वी गेट फ्रेश एंड वी गो इंशाल्लाह। जैसे आप इधर उधर देख रहे हैं मुझे लग रहा है कि कोई आप खाने वाली दुकान ढूंढ रहे हैं। वो है तो है लेकिन वो दूसरा है जो आप खान जाते ना। अच्छा, वो गलाबा क्या चीज? वो लोग लो, नाम क्या उसका? गलाबा। गलाबा 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 ये होता क्या जी? गलाबा ये होता है लोबिया का, लोबिया का और दालों का मिक्सचर है। अच्छा, अच्छी रूम दाले चलेंगे। अबू जैद खिलाना चाहते हैं, ये क्या होता है जी? जैद क्या करेगा फिर? ये अबू जैद लोग हैं, ब्रांच है लोगों के। अच्छा, ये ब्रांड होगा ना? ये ब्रांड है खाने का। अच्छा ब्रांड है, ठीक ठीक। जैद के अबू खा जाएंगे तो सही जाएगा। जनाब हम आ चुके हैं अबू जैद पे और यहाँ पे हमने कोई अरबी खाना खाना है, पहली दफ़ा खाने लगे हैं, देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। कुछ दालों का मिक्सचर है कुछ बताया इन्होंने भी, तो वो खा के देखते हैं और आपको भी दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। अच्छा जनाब, इनके पास जो चीज़ें हैं उनमें स्वीट भी है, नमकीन भी है, मुतबक है, इनका पराठा है और वो इंशाल्लाह ऑर्डर करने लगे हैं। और कुछ और चीज़ें हैं, नाम बड़े मुश्किल हैं भाई, याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सामने आता है तो साथ साथ आपको खाते भी जाएंगे, उसके बातें भी जाएंगे। यही तो मैजिक बोलना चाहिए। हलीम टाइप है वो, लेके आ गए। ये है जी मुतबक, बिस्मिल्लाह है। ये मेरा फेवरेट मुतबक। या अली रोटी, इसको बोलते तमीज। बोलो जा तमीज। इसको तमीज से बोलते हैं। मॉम थिंक आई लाइक। किसे तमीज बोलते हैं? किसे? किसे? रोटी को। अच्छा तमीज बोलते हैं नहीं रोटी को। और इस पराठे को क्या बोलते हैं जी? मुतबक। ये सलाद है जो होता है। मुतबक मुतबक लहसुन के ऊपर वाले हरे हरे होते हैं, प्याज के सोरे। ओके ओके। और इसके अंदर उसका जुबन है, जुबन बोलते हैं। अच्छा, इसे अब पनीर बोलते हैं। पनीर और उसके अंदर वो लहम। मटन का कीमा है भाई, नींबू लेगा नींबू। अंडा फिलिंग दिया है, अंडे की फिलिंग है, अंडा भी है, अंडा ब्रेडा, हरी प्याज जो है, सात सौ रुपये कीमा है। पराठे के अंदर अंडा दिया हुआ। अच्छा इसका क्या बताया आपने? ये क्या? इसमें वो है शहद है और इसमें क्रीम है। अच्छा, इसके अंदर वो पराठा है, केला है। अच्छा, इसमें चीज है और इसमें क्रीम है, पराठा है और केला है। ये अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ये बहुत मजेदार, ये वाला फ्रेश बिल्कुल। आपका नाम क्या है? अली। अली, ये मीठा है, इसमें शहद भी है। लोबिया को और दालों को पीस के उसको एक कमाल।
ये सॉस जो है ये मतलब मटर के साथ इसके अंदर इसमें क्या क्या डाला है? केले भी होते हैं? केले, केला, ये क्रीम है, पराठा और चीज। नींबू एक नहीं है, नींबू लेकर ये जो है ना समझ लेंगे चूरी है, चूरी का नेक्स्ट वर्जन है। हमने कुछ पहले भी चूरी टाइप की चीज कहीं पे खाई थी, क्या खाया था पिछले दिनों हमने खाया है? मैं हम कराची में खाया है वो हमने कुछ पराठा है यार, ये चीज बड़ी हैवी है, ये कमाल चीज है, मतंजन जैसा है। वो तो अंजन नहीं था, डोंट डू दिस। ये किस किस चीज का मिक्सचर है? ये है वो जो आप कह रहे थे लोबिया और दालें। अच्छा ये दालों का मिक्सचर है ये वाला, तो बड़ा मजेदार। नींबू डाल वाला बना के डाले हो ये नींबू डाल रहे हैं। अच्छा एक आइडिया मेरा भी है, छोटा सा ये जो है ना ये लेते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, इसको गुलाबा, गुलाबा इसको थोड़ा डाले हमारा नींबू अच्छे करके, ओ बस कर दे। जी ये वाला एक ट्राई करते हैं। वैसे देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये जो चीज है ना ये सारी डिशेस में से सबसे जबरदस्त है, ये दालों का मिक्सचर है वो कमाल। और डालें जी डालें इस पे लीमू डालें ना, और भी कमाल। वाह चलो वाह, इसमें वो थोड़ा सा ना उस तरह का टेस्ट है जैसे हलीम से मिक्सचर थोड़ा सा करीब। अच्छा यार आराम में आपको ना बहुत मोहतात रहना पड़ता है, खुशबू नहीं लगानी और बाल ना टूटे आपके, बहुत सारी एहतियातें हैं। अभी बहुत खारिश होती है वो नहीं कर पाते, बाल नहीं सही कर सकते ताकि कुछ बाल टूट ना जाए, तो ऐसी सूरत में फिर आपको बकरा देना पड़ता है, इससे बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। चलो चलो अच्छा पसंद आ गया भाई, खुश हो गए थोड़े थोड़े भाई। जनाब अभी हम होटल में पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर रेस्ट करना है, मशवरा ये हुआ है कि रेस्ट करें और रेस्ट करने के बाद फिर जाएं इंशाल्लाह उमरा परफॉर्म करने। थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह हम उमरा परफॉर्म करने जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह अगले एपिसोड से चलेंगी आपके साथ, ये पूरी एक सीरीज़ चलेगी कुछ दिनों की जिसमें हम मक्का मदीना कुछ ज़ियारात इंशाल्लाह उन पे जाएंगे और आपको भी इंशाल्लाह अपने साथ लेके चलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।